हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मंडे है, होली अष्टमी का फास्ट है मेरा और घर में पेंट का भी काम चल रहा है, तो देखते हैं कैसे होता है सब मैनेज। सुबह सुबह ना इन बर्ड्स की मस्ती देखिए, जो वाइट वाली मिट्टी है ना, ये फीमेल है और इसने इससे पहले भी दो बार मेरे पास ना एग ले किए, तो ये सबसे ज़्यादा शैतान बर्ड्स है। अभी जब मेरे पास बर्ड्स आए तब मैंने जाना कि बर्ड्स में भी ना ये बहुत इनके फ्रेंड्स भी होते हैं और ये आपस में लड़ाई भी बहुत करते हैं, और जिससे इनका पेयर होता है तो ये आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पेयर है मेरा जो काफ़ी दिन से मेरे पास है। तो अभी आप देखें इनकी अटखेलियाँ, ये कितनी मस्ती से सुबह सुबह ना बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो जैसे ही सुबह होती है तो इनकी चहचहाट पूरे घर में गूंजने लगती है। और अभी देखिए ये कितने ज़्यादा करतब करती है, सबसे ज़्यादा शैतान बर्ड्स है। बर्ड्स में भी कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो शांत होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत शैतान होती हैं और सारा दिन आफत मचा के रखती हैं। अभी आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों ना फ्रेंड्स हैं, वैसे अभी इनमें ना झगड़ा हो गया है। तो ये जो नीचे वाला मिट्टी ये है ना, ये फीमेल मेल है और वो ऊपर वाली फीमेल है, तो वो इसको मारे जा रही है, मारे जा रही है। मैं बहुत देर से ना इनकी ये देख रही हूँ इनकी शैतानी, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ये उसको मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मान नहीं रही है, मारे जा रही है और इसको ना दाना भी नहीं खाने दे रही है, बार बार उसको भगाए जा रही है इधर उधर और वो उसके पीछे जा जा के उसको मना रहा है। तो इन लोगों की भी ना पूरी एक फैमिली की तरह होते हैं ये लोग भी, और हम बिल्कुल ऐसे ही लड़ाई झगड़ा और आपस में मानना मनाना ये सारे काम ये लोग करते हैं। इनको देख के ना, ये दोनों चिक्स को देखिए, बड़े हो गए हैं अभी और इनके लेकिन जहाँ फैदर ज़्यादा प्लग कर दिए थे ना मिट्टी ने, तो अभी फैदर नहीं आए हैं। अभी ये खुद से दाना भी खाने लगे और पानी भी पीने लगे और बहुत ज़्यादा शैतान भी हो गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रेम्बो कलर के चिक्स निकलेंगे, जब पूरे इनके फैदर आ जाएंगे ना तब भी खाऊंगी, क्योंकि वाइट और येलो का मिक्स करके कॉम्बिनेशन है ना, तो बहुत खूबसूरत चिक्स बनेंगे ये। तो अभी मेरा डेली वाला काम शुरू हो गया है जो कि मैं डेली कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग, जो कि सुबह सुबह मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं उस टाइम में डीप क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। तो अभी मेरी किचन की डीप क्लीनिंग चल रही है, इसके लिए मुझे ऊपर चढ़ के और जो ऊपर के कबर्ड बने हुए हैं ना, जो ऊपर के बॉक्स हैं, उनको पूरा क्लीन करना होता है। वैसे ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा डर भी रहता है और सबको ना केयरफुली करना चाहिए कि कहीं गिर गए और चोट लग गई ना तो सारा काम ऐसे ही रखा रह जाएगा, तो मैं बहुत संभाल के चढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है ऊपर नीचे पैर स्लिप होने में। लेकिन कोई करने वाला और तो कोई करेगा नहीं, तो करनी तो सारी सफाई मुझे ही है ना, तो करती रहती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी डेली करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मुझे, घर के भी करने होते हैं, बाहर के भी करने होते हैं। और अभी तो पेंटिंग का काम बाहर पेंटर कर रहा है, तो मैंने सोचा अंदर की डीप क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तब तक दिवाली तक ना बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि दिवाली पे बाहर की शॉपिंग भी बहुत सारी होती है और घर की साफ़ सफाई तो करनी होती है। और मुझे ना बहुत ये रहता है कि दिवाली पे घर का कोना कोना साफ़ होना चाहिए, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए और चमकती रहनी चाहिए दिवाली के दिन। तो धनतेरस आज, जैसे जैसे धनतेरस आ रही है वैसे वैसे मेरी स्पीड भी बढ़ती जा रही है काम करने की, क्योंकि धनतेरस से पहले दिन मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। धनतेरस का दिन रहता है मेरा घर को पूरा सजाने का, और वैसे भी धनतेरस के दिन भी बहुत सारी ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग करनी होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आप सब लोग भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेसेसरी हम लोगों को ख़रीदनी ही होती हैं, अच्छा रहता है साल भर ना उनसे घर में बरकत रहती है। तो मेरा सारी सफाई पहले हो जाती है और फिर उस दिन थोड़ी शॉपिंग, और फिर ये कि कुछ गेस्ट आते हैं घर पे और कुछ हम लोग भी किसी के घर जाते हैं, गिफ्ट वगैरह देना होता है, तो इन सब में इतने बिजी हो जाते हैं। और वैसे भी ये माना जाता है कि धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस से पहले दिन तक ही हमें अपनी पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अभी पेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया बाहर, और उसने बालकनी के ये गमले वगैरह हटा के ना जितने थे, और उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। पहले तो सफाई की है थोड़ी और अभी कर रहा है वो काम।
स्टार्टिंग छत से करेगा, फिर नीचे करेगा। मंदिर में भी पेंट कराना है, पूरा खाली कर लिया मैंने। मंदिर बहुत हैवी है इसलिए उसको हम हटा के बाहर तो नहीं निकाल सके, तो उसके ऊपर ना कपड़ा ढक दिया था पूरा, उसको कवर करके अच्छे से तब उसने पेंटिंग का काम शुरू किया। वैसे पेंट तो मंदिर में हो रहा है लेकिन सामान बाहर सारे में फैला हो गया है, पूरा रूम मैसी मैसी हो गया है। तो फिर उसने पेंटर ने मंदिर को थोड़ा आगे सरका दिया, क्योंकि मंदिर हम लोग नहीं हटा पाते हैं ना, तो वहाँ उसे थोड़ा मंदिर गंदा हो रहा था, तो मैंने उसे पूरा अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि जब तक दोबारा पेंट ना हो मंदिर एक जगह फिक्स हो जाता है तो फिक्स ही रहता है, हटा नहीं पाते उसे। मंदिर का हो गया है पेंट, अब देखिए पिंक करा दिया है मैंने, क्योंकि वैसे भी ना लाइट शेड मंदिर में अच्छे होते हैं, और पिंक तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और पिंक अच्छा भी लगता है, तो पहले क्रीम था चेंज तो मुझे कराना ही था, क्योंकि एक ही कलर हम देखते देखते ना बोर हो जाते हैं, और पिंक अच्छा कलर था तो मैंने यहाँ पे ना पिंक करा दिया इसमें पूरे में। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर सफाई करने के लिए, बाहर बालकनी में वो पेंट कर रहा है, तो उसने ना स्टैंड जो और गमले ना अंदर रूम में रख दिए हैं, तो ये मेरे उसका गमलों का स्टैंड है जो कि बाहर रखा रहता है तो मिट्टी इस पे जमी जाती है, तो मैंने इसे साफ किया। वैसे मैं वाइट कलर का है ये, और थोड़ा इसका पेंट हट गया है, वो बाहर यूजुअल सी बात है कि बाहर रखा रहता है तो थोड़ा थोड़ा पेंट खराब होने लगता है, तो मैंने सोचा देखती हूँ, वैसे कल पॉसिबल हुआ तो मैं ना पेंट लाके इस पे पहले पेंट ही कर दूंगी और तब इसको बाहर रखूंगी, क्योंकि नया हो जाएगा पेंट हो के, वरना जहाँ जहाँ से पेंट हटा है वहाँ वहाँ से इसको जंग लग जाएगी। वैसे मैंने इसे अच्छे से गीले कपड़े से अभी पूरा साफ कर दिया है। तो अभी हम करते हैं पूजा, होई अष्टमी की पूजा होती है हमारे यहाँ। वैसे अभी तो 3 बज रहे हैं, मैं इसी वक्त कर पा रही हूँ क्योंकि पेंट का काम चल रहा है, उसी में बिजी थी, तो अभी पूजा करते हैं। तो होई अष्टमी का व्रत हम लोगों में संतान की प्रगति के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसमें होई माता का एक कैलेंडर लाके उसकी पूजा की जाती है, और एक लुटिया और एक करवा पानी से भर के रखा जाता है, उनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना के और वो रखते हैं, तो और एक होई माता चांदी की होई माता का रखते हैं, और उसमें ना हर साल दो दो मोती नए डलवाते रहते हैं। और इसकी कथा मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ, वैसे तो कुछ लोग मिलके भी कथा कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैं बिजी इतनी थी, ना कहीं जा पाई और ना किसी को बुला पाई, और घर भी पूरा इतना फैला हुआ था, तो मैंने मंदिर में तो पेंट ही हुआ था अभी, तो मैंने अपनी ये ना होई माता बाहर ही मैंने फिर आसन लगा लिया था और उसके ऊपर माता को स्थापित किया था, क्योंकि अंदर तो कर ही नहीं सकती थी ना। और फिर कथा करने के बाद फिर पूजा जब मेरी समाप्त हो गई, तो उसके बाद फिर चलते हुए सूरज को जल दे देते हैं एक उसका, तो वैसे मैं तो रात को तारे को देख के देती हूँ, कुछ लोग सूरज को भी दे देते हैं, मैं तो रात को ही देती हूँ, जब तारा निकल जाता है ना और अंधेरा होने लगता है मैं तब जल दे के और तभी भोजन करती हूँ। तो पूजा तो मेरी हो गई है और पेंटर अपना काम कर ही रहा है, वो तो लगा ही रहेगा आज शाम तक, क्या जब तक उसका हो नहीं जाएगा तब तक। जाली के ऊपर से ही हो जाएगा ना, ये जहाँ जाली लगी है उस पे, हाँ क्योंकि हटा नहीं सकते, फिर लगाएंगे कैसे ना। ठीक है, दूसरी ओरों में भी सब में लगाएंगे, बहुत गंदा करते हैं कबूतर सारे में ना। तो अभी शाम हो गई है और मैं ना खाना मेरा बन गया है, होई अष्टमी की पूजा करने जा रही हूँ, उनको भोग लगा के होई माता को और अर्घ दे के खाना। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि रात हो गई है, खाना खाना है और मैंने पूजा कर ली है। आप देखिए चांद तारे निकल आए हैं आसमान में, तारे को देख के ही चल देते हैं हम लोग, तो
मैंने अभी जल दे ही दिया है और घर की हालत पूरे घर में पेंटिंग हो, मतलब बालकनीज में पेंटिंग हो रही है, वैसे तो पूरे घर में सामान फैला पड़ा है, घर की हालत बहुत ही ख़राब है। तो मैं अभी व्लॉग का एंड करती हूँ, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।